1 हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 ज्योग्राफी इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी बुक से, चैप्टर फर्स्ट पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी ग्रोथ एंड कंपोजिशन। हमने ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन कवर कर दिया अपने प्रीवियस वीडियो में। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। लेट्स बिगिन। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज एक्सप्रेस्ड एज नंबर ऑफ पर्सन्स पर यूनिट एरिया। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का मतलब है कि कितने लोग रहते हैं पर यूनिट एरिया के अंदर, ठीक है। इट हेल्प्स इन गेटिंग अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्पेटियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन रिलेशन टू लैंड। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग देता है स्पेटियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन की इन रिलेशन टू लैंड। मतलब एक लैंड पर, एक जगह पर कितने लोग रहते हैं, उस एरिया में कितने लोग रहते हैं, उसको समझने में डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन हमारी हेल्प करता है। जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है इंडिया की 2011 के अकॉर्डिंग वो है 382 पर्संस पर स्क्वायर किलोमीटर। मतलब एक स्क्वायर किलोमीटर में 382 लोग रहते हैं इंडिया के अंदर 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग। क्लियर। देयर हैज़ बीन अ स्टडी इंक्रीज ऑफ अबाउट 200 पर्संस पर स्क्वायर किलोमीटर ओवर द लास्ट 50 ईयर्स। इसका मतलब है बहुत जल्दी इंक्रीज़ हो गए 200 पर्संस पर स्क्वायर किलोमीटर पिछले 50 साल में। 1951 में 117 पर्संस पर स्क्वायर किलोमीटर थे और 2011 में 382 पर्संस पर स्क्वायर किलोमीटर हो गए। तो इन 50 सालों में 200 लोग जो हैं वो इंक्रीज़ हो गए हैं, ठीक है। तो मतलब बहुत जल्दी इंक्रीज़ होती है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं स्पेटियल पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी इन इंडिया। भाई जगह जगह कितनी डेंसिटी है पॉपुलेशन की वो देखते हैं। जो स्पेटियल पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन है डेंसिटी का इंडिया के अंदर वो अनइवन है हमारा, ठीक है। मतलब कहीं ज़्यादा है, कहीं कम लोग रहते हैं, कहीं ज़्यादा लोग रहते हैं। क्लियर। स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज हैविंग हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज जिनकी हाई डेंसिटी है पॉपुलेशन की, तो एक बार देख लेते हैं। बिहार, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश। बिहार में 1102, वेस्ट बंगाल में 1029, उत्तर प्रदेश 828। ये जो हैं वो हाइयर डेंसिटी ऑफ नॉर्थ स्टेट्स हैं, ठीक है। यूनियन टेरिटरी दिल्ली में सबसे ज़्यादा है 11,297 पर्सन्स। केरला एंड तमिलनाडु 859 एंड 555। ये हाइयर डेंसिटी अमंग पेनिनसुलर इंडियन स्टेट्स हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन आपको आता है तो इन तीन हाइयर डेंसिटी ऑफ नॉर्थ स्टेट, तो इन तीनों में से कोई भी नाम लिख सकते हैं आप। अगर हाइयर डेंसिटी अमंग पेनिनसुलर इंडियन स्टेट्स तो ये आ जाएंगे। क्लियर है। स्टेट्स यूटी हैविंग मॉडरेट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, जिसमें मॉडरेट डेंसिटी है पॉपुलेशन की, असम, गुजरात, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, उड़ीसा, ठीक है। स्टेट्स यूटी इज़ हैविंग लो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, जिसमें बिल्कुल कम डेंसिटी है। अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ 17 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर ही रहते हैं। हिल स्टेशंस ऑफ हिमालय रीजन्स में कम डेंसिटी है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग असम, असम में तो है मॉडरेट डेंसिटी, लेकिन बाकी जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है उसमें नहीं है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। क्लियर। ये लो डेंसिटी, तो लो डेंसिटी, मॉडरेट डेंसिटी और हाई डेंसिटी आपको पता होना चाहिए किन किन स्टेट्स में है। द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज़ अ क्रूड मेजर ऑफ ह्यूमन एंड लैंड रिलेशनशिप। भाई डेंसिटी जो होती है वो किस पे, किससे मेजर की जाती है? भाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जो होती है वो ह्यूमन और लैंड के रिलेशनशिप पर डिपेंड करती है कि लैंड में हमें क्या क्या चाहिए, हमारे लिए फेवरेबल है या नहीं है वो चीज़, ठीक है। टू गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन लैंड रेशियो इन टर्म्स ऑफ, अगर हमें ढंग से समझनी है चीज़ कि ह्यूमन लैंड रेशियो किन टर्म्स को इफेक्ट करती है, दैट इज़ प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन टोटल कल्टिवेटेड लैंड। टोटल कल्टिवेबल लैंड है उस पर कितना प्रेशर है पॉपुलेशन का, फिजियोलॉजिकल फिजिकल फैसिलिटीज सारी ठीक है या नहीं है, और द एग्रीकल्चर डेंसिटी, और एग्रीकल्चर वहाँ कितना होता है। तो इन तीनों चीज़ों पर लैंड ह्यूमन रेशियो डिपेंड करती है। क्लियर। शुड बी फाउंड आउट विच आर सिग्निफिकेंट फॉर इंडिया हैविंग अ लार्ज एग्रीकल्चर पॉपुलेशन। इन तीनों चीज़ों पर जो हमने अभी पढ़ी हैं उस पर हमारी लार्ज एग्रीकल्चर पॉपुलेशन डिपेंडेंट है। अब फिजियोलॉजिकल डेंसिटी के लिए फॉर्मूला है हमारा टोटल पॉपुलेशन अपॉन नेट कल्टिवेटेड एरिया। एग्रीकल्चर डेंसिटी के लिए टोटल एग्रीकल्चर पॉपुलेशन अपॉन नेट कल्टिवेटेड एरिया। और एग्रीकल्चर पॉपुलेशन में क्या क्या इंक्लूड होता है? कल्टिवेटर्स एंड एग्रीकल्चर लेबरर्स एंड देयर फैमिली मेम्बर्स। तो ये डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।